और मैंने ऑनलाइन मंगवाया था ये वीवो के स्टोर से, लगभग 15 डेज हो गया मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको, और यूज़ करने के बाद आपको रिव्यू कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छाई पता चले और बुराई क्या है जो पता चले। मुझे जैसे पता है कि अच्छाई बहुत सारी चीज़ें हैं, बुराई बहुत कम है। सो रिव्यू करते हैं। चलो ये है फर्स्ट लुक वीवो का, कलर है सोनिक ब्लू। ओके, एंड इसमें कुछ कैश मेमोरी वगैरह है, एंड ये आपका बॉक्स हो गया मोबाइल का, एंड इसमें मुझे मिला था ये कवर, बैक कवर साथ में। तो चलिए इसको खोलते हैं, दिखा देते हैं आपको क्या क्या है। जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ तो आपको इसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ उसके अंदर ये बैक कवर का कवर आएगा। सो इसके अंदर बैक कवर था, या कुछ कैश मेमोस वगैरह है जो पढ़ सकते हैं आप, कैश मेमो नहीं सॉरी मेमो है, पढ़ सकते हैं आप। ओके, सो ये पिन है सिम खोलने लगाने का, नहीं कुछ EMI नंबर है, एंड जस्ट मुझे ये चार्जर और केबल मिला है, मतलब ये चार्जर मिला, एंड जस्ट ईयरफोन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी। ओके, सो ये चार सारे चीज़ मिला है मुझे इस मोबाइल के साथ। चलो अभी बात करते हैं आपका जो फ्यूचर्स है, कुछ फ्यूचर्स के बारे में बात भी कर लेते हैं। ओके, 6.53 का इंच डिस्प्ले मिलेगा आपको, फुल HD प्लस रहेगा, एंड इंटरनल मेमोरी आपको दो तरह का मिलता है, 64+ 128 GB। मैंने जो लिया है ये है 64 GB का है इंटरनल मेमोरी, एंड 4 GB रैम है। सो आपको 6 GB प्लस 4 GB रैम मिलता है, दो तरीके है। एंड पीछे जो कि है ट्रिपल रियर कैमरा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, 16+8+2 रहेगा आपका। एंड सामने का जो कैमरा आएगा वो 32 MP का रहेगा, सेल्फी कैमरा जो है। ओके, ये 32 MP का रहेगा, एंड बैटरी आपको मिलता है 5000 mAh बैटरी, जो काफ़ी बढ़िया है, आप 3 डेज लगभग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं नॉर्मली यूज़ कर रहा हूँ तो कंटिन्यू नेट यूज़ करके मैं 2 दिन तक यूज़ कर पा रहा हूँ, तो आप अगर नेट कम यूज़ करते तो 3 दिन लगभग यूज़ कर पाएंगे। ओके, सो इसका प्रोसेसर मिलता है 2.3 GHz 7.2 क्वाड कोर। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ इसको, फेस लॉक भी है, फेस लॉक आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे सेटिंग आपको दिखा देते हैं, एंड वो दिखा देते हैं आपको, मॉडल है वीवो 1951 Z1 Pro एक्चुअली, एंड एंड्रॉइड वर्सन 9 मिलता है आपको, एंड रैम 4GB+ 6 GB है, मेरा जो है 4 GB है, एंड वीवो रॉम फोन टच OS 9 है। ओके, सो सॉफ्टवेयर वर्जन देखते हैं, मैंने 2 बार सॉफ्टवेयर को अपडेट किया है। ओके, बाकी कुछ नहीं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रोसेसर 2.3 GHz स्नैपड्रैगन 712 ऑक्टा कोर। ओके, तो अगर आप चाहे तो मैं कैमरा भी आपको दिखा देता, कैमरा भी बढ़िया है, बहुत सारे सेटिंग है इसमें जो आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो इसमें आपको बहुत सारे सेटिंग मिल जाते हैं, यहाँ पे आप यूज़ कर सकते कलर इसका। ओके, इसमें चेंजेस है बहुत सारे, एंड वीडियो में इसका आपका स्लो मोशन भी वीडियो है, आप यूज़ कर सकते हैं स्लो मोशन वीडियो। अब यहाँ पे वीडियो में जाएंगे तो ऊपर का जो सिंबल आता है यहाँ पे, मतलब बैक में आएगा, सो बैक कर देते हैं इसको। ओके, लेट्स सी, एंड ऊपर में जो बटन है यहाँ पे स्लो मोशन है, आप स्लो मोशन भी यूज़ कर सकते हैं इसके। ओके, सो एंड पैनो मोड है यहाँ पे, फोटोज़ का ब्यूटी मोड, मतलब बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, पैनो मोड देख सकते हैं आप। ओके, सो मैं एक अलग वीडियो आपके लिए बना देता हूँ सिर्फ कैमरा रिव्यू का, बहुत ही बढ़िया फोटोस आते हैं इसमें। ओके, सो एंड बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा है गाइस, अगर आप चाहे तो ले सकते हैं, एंड इसमें आप पबजी भी लगातार खेलेंगे तो मोबाइल गर्म नहीं होता है, और आपका जो चार्जिंग है वो फास्ट चार्जिंग भी आपको मिलता है, फास्ट चार्जिंग के साथ है आपका बैटरी भी चार्जिंग जल्दी होता है। ओके, सो एंड अगर बहुत देर तक आप पबजी भी खेल सकते हैं, मोबाइल ज़्यादा गर्म नहीं होता है। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड लास्ट यहाँ पे एक बार मोबाइल को रिव्यू देख लीजिए।